मैं पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था। मोदी जी अगर ओबीसी का वेलफेयर चाहते हैं, अगर दिल में उनके ओबीसी के लिए जगह है, तो उनको ये सवाल का जवाब देना होगा कि क्यों उन्होंने आज तक ओबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री चालू नहीं की। आदेश दिया था आप लोगों ने, और जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला और देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था, और जैसे इसी मैदान से पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार बना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। परिवारवादी पार्टियां कभी किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने देती, जबकि आज भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। केंद्र की एनडीए सरकार में 27 ओबीसी मंत्री है, जो अब आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी मंत्री केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी एमपीज है। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य है। आज देश में बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। तेलंगाना में भी बीजेपी अपने बीसी साथियों के हितों का सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। मोदी जी अगर ओबीसी का वेलफेयर चाहते हैं, अगर दिल में उनके ओबीसी के लिए जगह है, तो उनको ये सवाल का जवाब देना होगा कि क्यों उन्होंने आज तक ओबीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री चालू नहीं की, और साथ ही साथ उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों खिलाफ है ओबीसी कास्ट सेंसस के इश्यू को लेकर। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ ये भी पूछना चाहता हूँ, 6 महीने तक जो यहाँ पे ओबीसी प्रेसिडेंट था उनको हटा दिए और आके आज बोलते हैं ओबीसी सीएम बनाएंगे, तो लोग ऐसी जुमलाओं पे विश्वास नहीं रखते हैं, लोग ऐसे जुमला विश्वास नहीं करेंगे। मोदी जी और उनके पार्टी को यहाँ पे इस बार, पिछली बार एक सीट मिला था 119 में से, शायद इस बार वो एक सीट भी ना मिले।